आप सब लोग क्रिकेट इंडस्ट्री से जितने भी लोग आते हैं ये बेबाक बोलते हैं, क्योंकि ये उसका नतीजा भी है कि आपस में आपकी दोस्ती बड़ी अच्छी है और एक स्पोर्ट्समैनशिप है आपके अंदर। एक इंटरव्यू में ना यूवी पाजी ने कहा था कि मुझे भी आम आदमियों की तरह गैस होती है। तो चलो ग्राउंड में तो ठीक है, पाजी सब दूर दूर खड़े नहीं पता चलता, विकेट कीपर को पता चलता है। विकेट कीपर तभी विकेट कीपरों ने हेलमेट लगाने शुरू कर दिया। नहीं पर वहां खेल के मैदान में जब फास्ट बॉलर आता है ना गैस ऊपर चढ़ जाती है, मैं बता रहा हूँ तुझे, कोई गैस वैस को भूल जाता है आदमी। मेरे को लगता है प्रेशर से कई बार बन भी जाती है। अरे चलो ग्राउंड में तो सब दूर दूर होते हैं सिवाय विकेट कीपर के। जब आपस में ग्रीन रूम में बैठे हो कभी तब कुछ ऐसा गड़बड़ हो जाए तो आप मान लेते हैं, स्वीकार करते हैं कि मैं ही था वो आदमी, या आप किसी जूनियर को डांट देते हैं कि बिहेव योरसेल्फ। एक्चुअली बज्जू ये करता था, जैसे ही करता था वो की कर रहे हैं यार। तो आई थिंक दिस वाज ये एक बज्जी का एक्ट था, बट कई बार दोस्तों के बीच में हम प्राउडली कहते हो यार मैं ही हूँ, आप भी तो कई बार करते हो तो कहते हो यार सेट पे नहीं हो, मतलब माइक नहीं लगा तो आई नहीं आती, तो प्राउडली यू से इट्स बाय यू, तो वो ड्रेसिंग रूम में तो हम प्राउडली बोलते हैं कि अब कई लड़कों की बात बड़ी अच्छी लगती है भाजी मुझे। हाँ। आपस में लड़कियां कभी नहीं मानती। बिल्कुल आई टोटली। तूने वैसे ये गैस की पीएचडी की हुई है पूरी? मैंने की नहीं भाजी, मैं ना एक बार मेरे कॉलेज की बात है। हाँ। मेरा एक दोस्त था, उसको काम खराब कर रहा था वो। हाँ। तो उसने क्या क्या इंस्टॉलमेंट्स में फिनिश किया। हाँ। 10% 15 20 25, लास्ट में जब मेन बचा ना 35%, तो वो फिर कंट्रोल नहीं होता, वो फिर क्रच करके हो गया। अच्छा, इसकी भी वैरायटियां होती हैं, तीन तरीके की होती हैं ये। ये एक तो होता है जो साइलेंट डेथ होती है, और एक होती है जो खाड़ थाड़ फाड़, उसको भैंसा सुर कहते हैं, भैंसा सुर। और थर्ड यार तो बच्चो, या फिर खद्दर पाड़, मतलब खद्दर फट गया। नेशनल टीवी पे बैठ के एक इतने पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल आदमी कैसी बातें कर रहे हैं। अच्छा यूपी पाजी, आपने इतने साल हो गए आपको क्रिकेट खेलते हुए, सभी क्रिकेटर्स के साथ आपकी दोस्ती भी है, सबको अच्छी तरह से जानते हैं, कौन है टीम में जो सबसे ज्यादा दिल खोल के पार्टी करता है, खर्च भी करता है जेब से? पार्टी तो सब दिल खोल के करते हैं, पर खर्च कोई नहीं करता। खर्च कोई भी नहीं करता, टीम में कोई तो होगा। तो आप? मैं थोड़ा खर्चा जहीर थोड़ा करता है, बाकी कोई नहीं खर्चा करता। अच्छा, खाली एंजॉय, बाकी बड़े कंजूस है। हाँ। वो पादो, मतलब बाद में कहते जब बिल देने का टाइम आता यार वॉलेट भूल गया अपना। अरे पहले ऐसा कौन है जिसे आप सालों से जानते हैं, काफी सालों से, और आज तक उन्होंने कभी एक रुपया नहीं खर्चा किया? दादा। नहीं नहीं नहीं, मैंने दादा नहीं बोला, चेरी मारे बोला, मैंने नहीं बोला। अरे बनवा लिया, मेरे कंधे में बंदूक चला रहा। मैंने कुछ नहीं बोला। थक थक दिल मेरा करने लगा, दिल मेरा तुझ पे ही मरने लगा। थक थक दिल मेरा करने लगा, दिल मेरा तुझ पे ही मरने लगा। क्या ढूंढ रही है? चूहा रोटी लेके तेरी? एक्सक्यूज मी, मैं पापा को ढूंढ रही हूँ। अच्छा, पापा रोटी लेके भागा है? हाय यूवी। हेलो। आप आ गए, मुझे लगा मुहूर्त वाले टाइम पे आने वाले थे, लेकिन एनीवेज आपने कुछ खाया पिया है कि आप ऐसे ही बैठे हैं? नहीं, मैं तो सिर्फ पानी ही मिला, खाने को कुछ मिला नहीं। अच्छा, इन लोगों का जब खुद खाने का दिल करता है ना, हमारे मेहमानों से पूछने लगते हैं ताकि हम उनके लिए कुछ मंगवाया तो बच्चा कुछ ये खा ले, भुक्कड़ कहेंगे। तब्बू, आज आखिरी दिन है, तुम्हें मेरे बारे में जो कुछ भी बोलना है बोल दो। एक बार मैं तुम्हारे हाथ से निकल गई ना, तब तुम खुद ढूंढते रहोगे सल्ला कहाँ है, सल्ला कहाँ है, और फिर मैं तुम्हें मिलूंगी नहीं। तूने देसी दारू तो नहीं पी आज?
नहीं ये फालतू की बकवास बातें क्यों कर रही है मेरे साथ? अच्छा रोज मैं काम की बातें करती हूँ। वैसे यूवी मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर। मैं बताता हूँ, बरसात में कभी बिल्ली भीगी हुई देखी तूने? खबरदार अगर तूने मेरी बेटी की तारीफ करके उसको बहलाने फुसलाने की कोशिश की तो। पापा आप कहाँ चले गए थे? पता है मैंने आपको हर वाइन शॉप में जाके ढूंढा। वैसे मैं कैसी लग रही हूँ? ऐसे लग रहा है जैसे परी को जॉन्डिस हो गया। कहती तो चलता। नहीं मैं चलता, लेकिन मेरे को ऊपर वाले को बाद में मुंह भी तो दिखाना है ना। व्हाट अ क्रिकेटर। हाय बैठिए, आजी बैठ के रख सकते बैठिए, आराम से बैठ के बात करिए बैठिए भाई, इनको ज्यादा मेरे ऊपर गिर जाते तो मैंने हाथ पकड़ा हुआ था। तो कोई बात नहीं। आई एम डॉक्टर मिश्र गुलाटी, नाइस टू मीट यू, BMC। ये कौन सी डिग्री है? बड़ा मशहूर चाइल्ड डॉक्टर। और ये अकेली डिग्री नहीं मेरे पास, आई एम LBW आल्सो। ओह LBW मतलब? देखो इतने बड़े क्रिकेटर का इंटरव्यू ले रहे हैं, कितने महान क्रिकेटर सामने बैठे हैं, LBW का मतलब ही नहीं पता। बताओ क्या फायदा ऐसे आदमी का? LBW डिग्री कौन सी होती है? डिग्री LBW है ना, लार्ज बड़ा विस्की आउट। Congratulations to you. Thank you. For your engagement. Thank you. पर मैं कहना चाहूंगा एक चीज आपको। आपने सुना ही होगा कि अंग्रेजों से भारत की आजादी हुई, लेकिन 70 साल बाद आप इंडिविजुअली अंग्रेज के गुलाम होने वाले हैं। एक्चुअली यूवी आप अगर अपनी नजर आसपास दौड़ाते तो इंडिया में भी एक सी एक लड़कियां हैं, आई मीन मेरे जैसी। आपको पता नहीं है यूवी 20-25 जगह मेरी बेटी के रिश्ते की बात चल रही है साइमल्टेनियसली। इनको भरोसा नहीं है ना कि एक जगह पे करेंगे हाँ होगी। आपको पता पाजी ये आदमी हर जगह से राशन उधार लेके आता है, वो जब पैसे मांगते ना बेटी का रिश्ता ऑफर कर देते हैं। इट्स नॉट कंपल्सरी राशन वाला, मैं तो कहता हूँ वाइन शॉप वाला, पान शॉप वाला सबसे बात चल रही है। पर मेरे को लगता है भी 2-4 दिन में बात पक्की हो भी जाएगी। अभी पापा अब किसके मुंह लग रहे हैं? हम यूवी यहाँ पे हम मशीन का उद्घाटन करवाते हैं यूवी से। हाँ उद्घाटन भाई, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, जल्दी करो अभी उद्घाटन करते हैं। मैं सामान लेकर आती हूँ। सामान ले बेट। Let's proceed. सबसे पहले भाई ये मैं थोड़ा सा ये पकड़ो बेटा, तुम मेरे को समझ नहीं आ रहा मदद करना। आप ये पकड़े क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? ये मैं बैरिकेटिंग कर रहा हूँ, यहाँ बैरियर लगा रहा हूँ यहाँ पे, ताकि कोई फालतू आदमी मुहूर्त के टाइम अंदर ना आ जाए यहाँ पे। रस्म रीति रिवाज पूरे होंगे। ये आप इन्हें पहनाइए, चलिए इन्हें इन्हें पहनाइए। भाई मुहूर्त है किस चीज़ का? मुहूर्त मुहूर्त है मेरी तो नहीं, ये तो गलत है। एक मिनट। हाँ जी। हार तो गेस्ट को पहना जाता, तो वो इनको क्यों पहनाएंगे? वैसे भी आजकल कौन पूरे रीति रिवाज फॉलो करता है। आप पहना दो बेटे, आप पहना दो पहले, आप पहना दो पहले, पहना पहना पहना, चलो आप भी पहना दो बेटी है, खुश हो जाएगी, छोटी सी तो है। चलिए मशीन का बटन दबा दीजिए। मशीन का बटन दबा दो। कौन सा? लाल ग्रीन ग्रीन लाल ग्रीन ग्रीन ग्रीन। एक चक्कर लगा लो, मशीन देख लो। हाँ, यूवी मशीन देखो, मशीन का एक चक्कर, मशीन चेक करो, मशीन देखो।
दोनों पति पत्नी अब सिद्धू साहब और मेरा आशीर्वाद ले लीजिए। एक मिनट, ये क्या करें डॉक्टर साहब, आपने धोखे से शादी करवा रहे युवराज की? ऐसे थोड़ी शादी होती है, सात फेरे होते हैं शादी में। देखो अगर टिक नहीं होना तो एक फेरे में टिक जाती है शादी। एक मिनट बेटी, ससुराल जा रही है। ससुराल से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। Never, Papa, never. तीन चार घरों में काम करती है, कभी शिकायत नहीं आई, नहीं आएगी। इससे पहले मैं रो पड़ू खुशी का म्यूजिक बचा। खानदान में शादी करेगा? एक सेकंड, घटिया खानदान किसको बोला तुमने? किसको? हमको बोला बेटे। अरे तू दोबारा बुलवा के क्यों बात को अंडरलाइन करवा रही है? होगी बात कंफर्म। लेकिन हेलो, अब हम घटिया नहीं रहे, पहले होते थे मानते हैं, क्योंकि अब हमने ये मशीन ले लिया। ये दो कौड़ी की मशीन लेके आप, मतलब आपका दो कौड़ी की नहीं है। इस मशीन में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। क्या है? एज अ डॉक्टर आई वांट टू शो यू द टेक्नोलॉजी। देखिए आपके ससुर जी के पास क्या कमाल की मशीन है। ससुर जी? ससुरा भी कह सकते हैं। As a doctor, I want to show the wonder of this machine. Please push the button. Aye, sir, aap aye, please. Haan, UV, please. Haan, beta. Ye chunni chhad do. Ye do, do, do. Green button. लाल लग रही पापा, बड़े श्रिंक हो गए हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? इनको लेके जा, गमले में लगा, रोज पानी देती रहना, लंबे हो जाएंगे। पापा! चलिए आप ही, बहुत बहुत मुबारक आपको, शुक्रिया।